नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। बने रहे वीडियो में, रात तक पूरी वीडियो देखें दोस्तों। आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। गैस चालू कर दिया जे और जे रख दी कर। तो तेल डाल देती हूँ अच्छे से गरम हो जाए। तेल डाल दिया, गरम होने लगी तो मैंने इतने काट ली दो मिर्ची हरी और चार पांच लहसुन की कली है, छोटी छोटी है तो सेगी हैगी, मैंने पीसी नहीं है तो ये डाल देती हूँ। थोड़ी मिर्ची चटक जाएगी। अब डालूंगी प्याज, चार प्याज काट ली मैंने लंबी लंबी पतली पतली में तो ये डाल देंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक, गोल्डन होने तक प्याज को सेकना है अच्छे से। मिर्ची भी, प्याज भी, लहसुन सब छिप जाएंगे, लाल हो जाएंगे। हो गई, अब मैं इनमें डालूंगी करेला। तो जो मैंने करेला आधे किलो करेला काट के और अच्छे धो कर रख लिए, ऐसे पतले पतले में काट लिए लम्बे, तो ऐसे काट लिए तब ये करेला रखूंगी। इस तरीके से ये डाल दिए, अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स करूंगी। मिला दिए सब नमक, अच्छे से ढक के रखूंगी अभी तो एक मिनट तक ढका रहना। उसके बाद देख, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो लाल मिर्ची कम ही डालूंगी, मैंने हरी मिर्ची पहले डाल दी थी। आप तीखे के हिसाब से अपन जितना तीखा खा सके उतने हिसाब से डाल सकते हैं मिर्ची। फिर मिला दूंगी अच्छे से और अभी एक मिनट के लिए और ढाकूंगी करेले को, तो करेला और चला दूंगी। अब इसमें डालूंगी, करेला पक गया तो इसमें डालूंगी आधा नींबू, खटाई कुछ भी हो मतलब, या आम की करी हो या नींबू ये डाल सकते हैं, या आमचूर भी, आमचूर हो तो आमचूर भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये खटाई से क्या है दोस्तों, कड़वे नहीं लगते हैं, इसकी कड़वट कड़ाहट चली जाती है, इसके लिए खटाई डालना जरूरी है करेला में। अब करेला पक गए हमारे, बन गए। पक गए दोस्तों सब्जी, तो अब मैं लगाती हूँ थाली। अब मैं थाली लगा रही हूँ, ढाक देती हूँ। Thank you.